सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं फिर से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और ये वाली वीडियो गाइस माइनक्राफ्ट की सीरीज से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो वैसे भी मैं आपको पता है कि क्रिएटिव मोड में हूँ ये, तो ये वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि आप स्ट्रांग होल्ड को कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें स्ट्रांग होल्ड नहीं मिलता, तो मतलब वो कहाँ पे होता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसको ढूंढा कैसे जाता है। तो यस गाइस, ये वीडियो इसी पे बेस्ड है कि आपको स्ट्रांग होल्ड मतलब कैसे मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा। तो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ओके गाइस, जो मेन चीज है स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए वो आपको चाहिए आई ऑफ एंडर। तो ये मैं आपको क्रिएटिव मोड में करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप सर्वाइवल मोड में कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवल में वैसे भी आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो आपके पास आई ऑफ एंडर भी कमी होगी। तो हम सबसे पहले इसको एक राइट क्लिक करके इसको फेंकते हैं कहाँ पे जाती है। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है और इसकी डायरेक्शन अभी सामने की तरफ दिखा रहा है, तो अब हमें इसी को फॉलो करना है। वैसे मैं क्रिएटिव मोड में हूँ तो फिर मैं उड़ के जा सकता हूँ ऑब्वियसली, तो अगर आप सर्वाइवल मोड में हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 500 टू 1000 ब्लॉक्स कम से कम ट्रैवल करो और फिर मतलब आप अगला थ्रो करो। तो एक और बार मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पे, अभी भी ये सामने ही शो कर रहा है, तो फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा। और कभी कभार तो ड्रॉप भी होती है या फिर कभी कभार टूट भी जाती है, तो इसलिए सर्वाइवल में तो ये वेस्ट करना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा और मैं आगे तक चलता हूँ और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक फेंक के देखते हैं, और अभी भी ये सामने दिखा रही है तो मैं इसको सामने चलेंगे, क्योंकि जब तक ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट करती है हमें कंटिन्यूसली उसी को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो क्रिएटिव में, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर आप सर्वाइवल में इसको ढूंढना चाहते हो तो फिर आप अपनी मिनिमम मतलब 1000 ब्लॉक्स तो गाइस ट्रैवल करना ही अगली एंडर आई फेंकने से पहले। अब मैं यहाँ पे रुक के एक बार देखता हूँ यार, ये मैं कहाँ पे आ गया पता नहीं कुछ, यहाँ पे मैं देखता हूँ और अभी भी ये सामने ही लोकेट कर रहा है, एक बार और आगे चलते हैं। तो यस गाइस, आपको ये पाथ तब तक फॉलो करना है जब तक ये वाली एंडर पर्ल मतलब जो हमारी आई ऑफ एंडर है ये जिस पॉइंट पे आके ग्राउंड के मतलब अंडरग्राउंड चली जाए, तो वहां पे हमारा लोकेटेड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो बस इसको तब तक फॉलो करना है जब तक ये नीचे की तरफ नहीं जाता, और एक्चुअल में ये नीचे की तरफ यहाँ पे चला गया मेरे को लग रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक और बार फेंकते हैं, ये कहीं तो गया था, कहाँ पे गया है, ओ अभी भी सामने ही है, तो चलते हैं फिर सामने। तो गाइस, अब ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो अब मैं इसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि अब मेरी डायरेक्शन पहले यहाँ पे थी, अब ये चेंज हो गई है, तो फिर हम उसके बहुत ही नियर हैं, अब हमें कभी भी मिल सकता है। तो ये अभी भी सामने ही है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मेरे को लग रहा है अब मैं उसके बहुत पास हूँ, क्योंकि आसपास ही कहीं होना चाहिए। अब कहाँ जा रहा है, वो सामने जा रहा है मतलब यहीं पे है। गाइस मेरे को उसकी लोकेशन आसपास ही लग रही है, मतलब यहीं पे कहीं तो है स्ट्रॉन्ग होल्ड। हम एक लास्ट फेंक के देखते हैं। ओके, तो ये शायद माउंटेन के ऊपर मेरे को लग रहा है। अब हम यहाँ पे फेंकते हैं एक लास्ट अपनी, और यस गाइस, और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी अंडरग्राउंड जा चुकी है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आके इसको फेंकूँ तो ये ग्राउंड की तरफ पॉइंट आउट कर रही है और ये अंदर चली गई है, मतलब हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो यहीं पे इसके नीचे है। तो वैसे तो मैं अब क्रिएटिव मोड में हूँ तो फिर मैं तो जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो आपको ये इसको डिग भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और गाइस ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसकी ये मेन एंट्रेंस है, मतलब ये आपका वे टू स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसकी मेन एंट्रेंस तो आपको ऐसी नहीं मिल सकती एग्जैक्ट, तो ये सिर्फ आपको वे मिल सकता है स्ट्रॉन्ग होल्ड तक। और यहाँ पे मेरे को स्केलेटन की आवाज़ भी आ रही है, तो थोड़ा सा और डिग करते हैं, आसपास ही लग रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं, मेरे को लग रहा है आसपास ही कहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और डिग करते हैं और मेरे को यहीं से तो कहीं आवाज़ आ रही है, यहाँ पे वैसे आयरन भी बहुत सारा है, यहीं पे तो होना चाहिए कहीं। तो यस गाइस, ये मिल गई है मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड की एंट्रेंस। मैं एक मिनट यहाँ पे टॉर्च ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉर्च ले ली है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो एंट्रेंस तो यही ही है, मतलब एंट्रेंस तो नहीं कह सकते, मतलब अंदर जाने का स्ट्रॉन्ग होल्ड में वे तो यही है। तो क्योंकि आप यहाँ पे स्टोन्स देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, तो अब मैं उसकी एक बार आपको पूरी एग्जैक्ट अंदर तक लोकेशन दिखा देता हूँ, मेरे को लग रहा है इसके नीचे है। तो यस गाइस, हम फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँच चुके हैं और आप यहाँ पे एडवांसमेंट देख सकते हैं, हमें आइस पाई वाली एक एडवांसमेंट मिल चुकी है। तो ये हम मतलब सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर तो एंटर हो चुके हैं, तो अब आपको इसको मतलब आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये अंदर से दिखने पे कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मॉब्स भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप सर्वाइवल मोड में आए तो फूड के आप रिसोर्सेज बहुत सारे लेके आए, और यहाँ पे एक होती है लाइब्रेरी जहाँ पे हमें चेस्ट मिलती है। मैं आपको ऊपर से एक बार ढूंढ के दिखा देता हूँ कि आपको मतलब कैसे मिलेंगी चेस्ट। एक तो इसका ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे एक चेस्ट हमेशा होती है और वो ये रही, और इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे इतना कुछ स्पेशल है नहीं, यहाँ पे हमें बुक्स और पेपर वगैरह यही मिला, वैसे मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं है।
मैं तो वैसे भी क्रिएटिव मोड में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, और एक चेस्ट वैसे नीचे भी होती है, अगर वो मिलती है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं तो इसको तोड़ तो सकता ही हूँ, कुछ करना है नहीं, मैंने क्रिएटिव मोड में हूँ। यहाँ पे ढूंढते अगर एक चेस्ट और मिलती है तो, मेरे को लग रहा है मिलनी तो चाहिए। और गाइस ऊपर जाने का मतलब वे तो ये वाले, अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे एक लैडर लगी होगी, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो, और ये तो गारंटेड है कि ऊपर आपकी एक चेस्ट होती है। और यहाँ पे भी मेरे को एक चेस्ट मिल चुका है, अब इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें कंपास मिला है और वही पेपर और बुक्स, तो इसमें तो इतना ही। और गाइस ये मतलब सच्ची में बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आपको मेन चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है यहाँ पे आपको मिलता है आपका वे टू एंड पोर्टल, तो यहाँ से आप एंड पे जा सकते हैं। और आपको लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता कि एंड पोर्टल का है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा इसका कोई मतलब। और यहाँ पे मेरे को एक और चेस्ट मिल चुका है जहाँ पे एप्पल वगैरह है, और यस गाइस मेरे को यहाँ पे एंट्रेंस मिल चुकी है एंड पोर्टल की। मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते आ गया, और ये हमारे होते हैं सिल्वर फिश स्पॉनर, जो कि आपको ब्रेक करना पड़ता है वरना ये डैमेज देती हैं। और ये रहा गाइस हमारा एंड पोर्टल, मैं इसको एक्टिवेट तो कर सकता हूँ अभी, लेकिन मैं चलो कर ही देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको एक्टिवेट भी कैसे करते हैं। यहाँ पे बस आपको एंडर आई सारी अपनी प्लेस कर देनी है पूरे, मतलब ये जो जो एम्प्टी है, तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। और ये लास्ट वाली, एंड गाइस आप यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हैं कितनी डेंजरस ये है। और यहाँ पे हमारा एंड पोर्टल रेडी हो गया है, बस आप यहाँ पे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे बिल्कुल एंड वर्ल्ड में। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, और वैसे मैं इसमें जाने नहीं वाला क्योंकि मेरा अभी कोई काम है नहीं। मेरा मतलब मेन मोटिव था आपको दिखाना कि आप स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैसे ढूंढ सकते हो। यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और माइनक्राफ्ट की नए पार्ट के साथ नई सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।